श्रावण का महीना आते ही हिंदुओं के त्योहारों की श्रृंखला चालू हो जाती है। श्रावण महीने में भगवान शिव जी की पूजा, हरेली और रक्षाबंधन के बाद इसी श्रृंखला में भाद्रपद महीने में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन हुआ था। इसी वजह से सोमवार को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे भारत और देश भर में धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह दही हांडी फोड़ने का कार्यक्रम हुआ। राजिम क्षेत्र के ग्राम कोंदकेरा में सशक्ति शिशु मंदिर के कोंदकेरा के बच्चों ने पूरे गांव की गलियों और चौक चौराहों पर टंगे दही हांडी को फोड़कर रैली निकाली। इस बीच बच्चे कई तरह के परिधान पहने हुए थे, कोई कृष्ण कन्हैया तो कोई राधा रानी बने हुए थे और कोई ग्वाला सुदामा। सभी पूरे हर्षोल्लास बैंडबाजे के साथ रैली निकाल कर गाँव में धूम मचाते हुए सभी को कृष्णमय कर दिया। अच्छा, अभी क्यों घूम रहे हो आप सब एक साथ? कृष्ण ग्वाला कहाँ कहाँ मटका फोड़े हुए? गायत्री मंदिर बस में, पूरे चौक चौराहे में ना। और बाकी आपके साथी लोग क्या क्या बने हैं? जी क्या बनी है बताएंगी आप? जी, और आपके जो साथी है वो क्या क्या बने हैं? और कृष्णा कोई नहीं बने हैं? अच्छा अच्छा, तो कहाँ क्यों घूम रहे हो अभी आप लोग सब एक साथ? पूरे भारत देश में मनाते हैं, जब से कृष्ण जी की जन्म हुआ है तब से, और हमारी स्कूल में जब से स्कूल खुला है तभी से कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। तो किस प्रकार से मनाते हैं भाई? सब राधा रानी स्कूल के भैया बहन को सजाते हैं, और गांव के प्रमुख चौक चौराहों में मटका बांधते हैं और फोड़वाते हैं। जी, तो इसमें क्या क्या बने रहते हैं बच्चे? बच्चे कोई कृष्ण बना है, कोई राधा बना है, कोई सुदामा बना है, उनके सखी बना है, पूरा सभी बनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा ओम प्रकाश शर्मा। क्या है आप? प्रधानाचार्य जी हूँ।